ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 21 फरवरी 2024 की मुरली। आज का मधुर महावाक्यों में पांच मुख्य बातें याद रखेंगे। पहला, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजय होगी। दूसरा, सब अपने को आत्मा समझो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझ उतर जाएगा। तीसरा, क्रोध का अंश भी निकाल देना है। चौथा, जब चाहो शरीर में आओ और जब चाहो अशरीरी बन जाओ। पांचवा, विश्व राजन बनना है तो विश्व को सकाश देने वाले बनो। ज्ञान और योग, आत्मा समझो, शांति, अशरीरी, शकास। आज का चिंतन, मैं आत्मा अशरीरी ज्योति बिंदु हूँ। मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, परम प्यारे अति प्रिय शिव पिता का संतान हूँ। मैं आत्मा ज्ञान का तलवार से योग का जौहर भरकर हर कार्य में विजय प्राप्त करेंगे। मैं विजयी आत्मा हूँ। मैं आत्मा प्यारे प्रभु का अति प्रिय संतान हूँ। मैं आत्मा एक बाबा को निरंतर याद करते रहेंगे। सिर के ऊपर क्या पापों का बोझ है, सारा उतार लेंगे, हल्का हो जाएंगे। मैं आत्मा ज्योति ही हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा शरीर रूपी वस्त्र धारण कर सृष्टि रंग मंडप पे पाठ बजा रहा हूँ। मैं आत्मा शरीरी हूँ, अशरीरी हूँ, बिंदु स्वरूप हूँ। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूँ, वर्तमान स्वराज्य अधिकारी, कर्मेंद्रियों का मालिक आत्मा, भविष्य विश्व का मालिक। मैं आत्मा ज्योति हूँ। ज्ञान और योग में मस्त रहेंगे। सदा आत्मा समझकर हर एक आत्मा को अनादि आदि स्वरूप में देखते रहेंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं अशरीरी हूँ। मैं आत्मा सकाश देके विश्व का राज्य अधिकार प्राप्त करेंगे। मैं आत्मा सेकंड में परंधाम पहुंच गया हूँ, स्वयं प्रकाशित पवित्र धाम में, पवित्रता के सागर बिंदु बाबा के साथ। मैं अपने आप को बिंदु स्वरूप में देख रहा हूँ, परंधाम में परम पिता के साथ हूँ। मैं बाबा को टच किया, अपार शक्ति का अनुभव किया, फिर साकार सृष्टि पे आया, मस्तक सिंहासन पर बैठ सबको शकास दे रहा हूँ। मेरा मस्तक से, नयनों से, अंग अंग से सर्वशक्तियों का किरणें प्रकंपन फैला रहा हूँ। मैं आत्मा ज्योति प्यारे पिता का अति प्रिय संतान हूँ। मैं
ओम शांति।